एक तरफ शॉपी जहां इंडिया में अपने ग्रेट डिस्काउंट की वजह से हाइलाइटेड है, वहीं दूसरी तरफ शॉपी इंडिया की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉपी को बैन कर दे या कोई ऐसा डिसीजन निकल के आए जिससे शॉपी को परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे की कुछ कहानी है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताता हूँ कि शॉपी को इंडिया में बैन किया जाना चाहिए, ये आवाज़ कहाँ से उठ रही है, कौन वैसे लोग हैं जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, और क्या शॉपी को वाकई बैन करना चाहिए इंडिया में या नहीं बैन करना चाहिए। क्योंकि आप सबको मालूम है कि शॉपी अपना जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो इस तरीके से बना रहा है कि कहीं ना कहीं शॉपी अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब जब कोई कस्टमर शॉपी से ऑर्डर करता है तो कहीं ना कहीं जो शिपिंग फी है वो शॉपी के जेब से जा रही है, क्योंकि वो शिपिंग ना तो वो कस्टमर से लेता है और ना ही सेलर से लेता है, और साथ में सेलर्स को 0% कमीशन का ऑफर दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा कस्टमर और बहुत सारा सेलर अट्रैक्ट होता हुआ चला आ रहा है, और शॉपी का जो कस्टमर बेस है वो बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शॉपी मीन्स SPPIN इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया में लीड कर रहा है अपने दो होल्डिंग कंपनी के साथ में, जो कि है SPPIN फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है SPPIN सेकेंड प्राइवेट लिमिटेड। आपको जान के शायद हैरानी हो, ये दोनों ही जो इनकी होल्डिंग कंपनीज हैं ये सिंगापुर से रजिस्टर्ड हैं, और जो मेन कंपनी जो इंडिया में लीड कर रही है इसका जो ओरिजिन है वो है केमैन आइसलैंड। केमैन आइसलैंड दोस्तों ये एक तरीके से टैक्स हेवन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो शॉपी की मैकेनिज्म है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मतलब शॉपी इंडिया में आया तो है, साथ में अपनी दो होल्डिंग कंपनीज को साथ में लेके आया है, लेकिन यहाँ पे दो होल्डिंग जो है वो सिंगापुर से रजिस्टर्ड है, और जो मेन कंपनी है वो रजिस्टर्ड है केमैन आइसलैंड से, जहाँ पे टैक्स का स्वर्ग माना जाता है। मतलब वहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ पे मैटर ये आया कि हमारा देश जो है बेसिकली यहाँ पे CAIT संगठन काम करता है, जिसका मतलब है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, मीन्स व्यापार संगठन। अब इन्होंने क्या है एक आपत्ति जताई, क्योंकि यहाँ पे आपत्ति के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि शॉपी कंपनी का जो बैकअप है दोस्तों वो देता है टेंसेंट, क्योंकि टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन शॉपी। शॉपी का एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर है टेंसेंट, जो कि चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पे मैटर ये आ रहा है कि शॉपी के पीछे बहुत सारा पैसा टेंसेंट कंपनी का लगा हुआ है, और शॉपी इंडिया में आई लेकिन एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म लेके आई, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शॉपी को फेस करनी पड़ेगी या करनी पड़ रही है वो ये है कि हमारे देश का जो FDI रूल है दोस्तों, कि अगर भारत में कोई भी फॉरेन की कंपनी आती है ट्रेड करने के लिए और उसमें उसका कोई भी एंटिटी या कोई भी एफिलिएट अगर ऐसा है जो इंडिया के बॉर्डर को शेयर करता है, तो ऐसी कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए प्री परमिशन लेनी होती है, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले परमिशन लेनी होती है। क्योंकि शॉपी में प्रॉब्लम में आ रही है कि यहाँ पे जो बैकअप है वो बेसिकली टेंसेंट का है, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, और चाइना इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शॉपी के साथ में ये है कि शॉपी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अब यहाँ पे शॉपी शायद ये सोच रहा हो कि वो तो सिंगापुर की कंपनी है और इंडिया में जो कंपनी आई है, बेसिकली जो शॉपी की एंटिटी है जिसको हम बोल रहे हैं SPPI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो रजिस्टर्ड है केमैन आइसलैंड से। तो कुल मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए CAIT ने बाकायदा एक लेटर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और डिमांड की है कि शॉपी को बहुत जल्दी बैन कर देना चाहिए और तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ पे चूंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू की है और उनसे कहा है कि आप इस दलील पे विचार जरूर करें,
कि सीएआईटी की जो दलील है उसमें दम है। जो इनकी तरफ से दोस्तों लेटर गया है ना, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे सॉपी के साथ दो प्रॉब्लम्स आई हैं। पहली तो यहाँ पे टेंसेंट कंपनी सॉपी के पीछे से काम कर रही है, मतलब उसका एक बड़ा यहाँ पे योगदान है। तो एक चाइनीज कंपनी हो गई जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, इससे एफडीआई का रूल वायलेट हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सॉपी की जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के तहत किए गए हैं, जिससे इस पे और ज्यादा शक गहराने लगा है। इसीलिए सॉपी को बैन करने की डिमांड चल रही है। कहीं ना कहीं भारत के जो व्यापारी हैं उनको ये लगता है कि चाइना अपना पूरा पैसा सॉपी के थ्रू इंडिया में डंप करेगा या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में वो सेल करेगा। अब यहाँ पे चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपील किया है या रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और साथ में व्यापार संगठन पहले से डिमांड कर रहा है, तो सॉपी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो फाइनल डिसीजन लेना है वो लेना है फिनेंस मिनिस्टर को और कॉमर्स मिनिस्टर को, क्योंकि इन दोनों लोगों को इन्फॉर्म किया गया है, इन दोनों अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया गया है इसके बारे में। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें क्या एक्शन लेती है, क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए कि केमैन आइसलैंड ये फेमस ही इसीलिए है क्योंकि ये टैक्स हेवन के नाम से जाना जाता है। इस देश में यूं कहें यहां पे टैक्स का कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है और यहां पे आपको ऐसी बहुत सारी सहूलियत मिलती है जो कि शायद किसी देश में आपको मिलती हो टैक्स के लिए या कंपनी चलाने के लिए। इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं जो सॉपी की मुश्किलें अब बढ़ाती हुई जा रही हैं। और जो फाइनल डिसीजन लेना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही लेना है, क्योंकि ये बात तो प्रूफ हो चुकी है कि सॉपी का जो बैकअप है बेसिकली वो चाइना से है, क्योंकि इसमें टेंसेंट कंपनी का योगदान है और ये सबसे बड़ा एक इन्वेस्टर है सॉपी में। तो अब फाइनली देखा जाए तो अभी सॉपी बैन तो नहीं हुआ है और लगातार इंडिया में ग्रो भी कर रहा है अपने अट्रैक्टिंग प्राइसिंग की वजह से, ऑफर्स की वजह से। लेकिन आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद इसमें कोई ऐसा बीच का डिसीजन ले कि शायद सॉपी बैन भी ना हो और ये सारी चीजें रिजॉल्व भी हो जाएं। वैसे सॉपी अपने सेलर्स को बहुत ग्रेट ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, और अगर आप सॉपी पे सेलिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सॉपी की जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो बाकी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस से अच्छी है, बशर्ते यहाँ पे कुछ सेलर ऐसे आ जा रहे हैं जो कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट को बेचते हैं और बाद में FIR हो जाती है सॉपी के ऊपर। इसीलिए अगर आप सॉपी पे सेल कर रहे हैं तो कम से कम कोशिश करें कि ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स ही यहाँ पे सेल करें, और अगर आप कहीं से खरीद के ले आ रहे हैं तो आप खुद भी चेक कर लें कि ये जो प्रोडक्ट्स आप खरीद के ला रहे हैं ये ओरिजिनल भी हैं या नहीं। हो सकता है वो कॉपी वर्जन आप खरीद के ला रहे हो और आपको लग रहा हो कि बहुत सस्ते में मैन्युफैक्चरर आपको प्रोडक्ट बेच दे रहा है किसी अदर ब्रांड का या पॉपुलर ब्रांड का, और वो आप अपने ब्रांड से सेल कर रहे हो। इसीलिए ये सारी चीजें देख करके आप सेल करिए, सॉपी आगे इंडिया में ग्रो करेगा अगर यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो, या कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो। इसलिए आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग सेल करें, बस ये है कि इस मार्केट प्लेस को ऑथेंटिक बनाए रखने में मदद करें। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की वीडियोज मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।